वेलकम टू प्रियदर्शनी टॉक्स, होप यू ऑल आर फाइन। प्रियदर्शनी टॉक्स में मैं प्रियंका प्रियदर्शनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो लीजिए, मैं फिर आ गई आपके मोस्ट मोस्ट लाइक्ड जो वीडियोस होते हैं पंचतंत्र के स्टोरीज में से एक स्टोरी लेकर। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है बगुला भगत और केकड़े की कहानी। जी हाँ, बगुला भगत और केकड़े की कहानी। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक तालाब होता है बहुत बड़ा सा, और तालाब में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो वैसे ही इस तालाब में जीव जंतु थे बहुत सारे। सॉरी माय सन इज अवेक राइट नाउ, ही विल मेक सम नॉइज एज यू ऑल नो। तो तालाब में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, और तालाब के किनारे पे एक बूढ़ा बगुला रहता था, जिसको कि जीव जंतु बगुला भगत के नाम से पुकारते थे। वो बूढ़ा बगुला बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, और वो शिकार करने में बड़ा ही असमर्थ हो गया था। वो कोई मछली पकड़ ना पाता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, वो जल्दी चल नहीं पाता था। एक दिन की बात है, उसे कोई शिकार ना मिली, कोई मछली ना मिली, कोई शिकार ना मिला, तो वो बड़ा ही रोने लगा, भूख के मारे वो रोने लगा था। उसे रोता देख एक केकड़ा जब पास से उसके गुजरा, तो उसने बोला कि अरे बगुला भगत जी, आप रो क्यों रहे हैं, और आज आपने तो कोई मछली का शिकार भी नहीं किया, क्या बात है भाई। तो बगुले ने कहा कि नहीं नहीं, ये मत कहो भाई, अब मैं किसी के क्या शिकार नहीं करूंगा, मैंने बड़े ही निरीह और निर्दोष प्राणियों के शिकार कर लिए हैं, और मैं उसका पछतावा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। केकड़े को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने तो सोचा सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ये कैसे हो सकता है, ये तो रोज शिकार करने वाला प्राणी है, ये ऐसे कैसे कह सकता है। और बगुले ने कहा कि अब मैं इन निर्दोष प्राणियों का शिकार मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा, इनको ना खाऊंगा, पहले ही मैंने बहुत पाप बटोर लिए हैं, अब मैं फल फूल खा के ही जीवन यापन करूंगा। केकड़ा तो आश्चर्यचकित था, लेकिन वो सुन रहा था उसकी बातें। और फिर बगुले ने कंटिन्यू किया, बगुले ने कहा कि मैं एक और समाचार के कारण रो रहा हूँ। केकड़े ने कहा क्या हुआ, तो बगुले ने कहा मैंने एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को ये कहते सुना है कि यहाँ पे इस तालाब में बहुत ही ज़्यादा इस साल सूखा पड़ने वाला है, और इस तालाब के जितने भी जीव हैं, जितनी भी मछलियाँ हैं, सारी की सारी मारी जाएंगी। केकड़े को तो आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, डिफिकल्टी जब आने वाली होती है, जब लोग कह देते हैं हमें कि हाँ अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और वो भले ही मूर्ख कोई व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। केकड़े के साथ भी यही हुआ, उसने जाकर तालाब के सारे जीवों को ये बात कह सुनाई। अब सारे जीव तो बड़े चिंतित, सब आए बगुले के पास, बगुला भगत से सब पूछने लगे कि महाराज प्लीज भगत जी ये बताएं कि इस से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो बगुला भगत ने कहा इससे तो कोई छुटकारा नहीं है, उस ज्योतिषाचार्य ने कहा सूखा तो पड़ेगा ही, लेकिन एक है सोल्यूशन। सारे प्राणियों ने पूछा कि क्या है, तो बगुला ने कहा कि पास में ही एक और बड़ा तालाब है, उसमें सूखा नहीं पड़ेगा, तुम चाहो तो वहां जा सकते हो, वहां तुम बच सकते हो, तुम्हारी लाइफ बच सकती है। सभी ने कहा कि हाँ बगुला जी प्लीज भगत जी हमें वहां तक पहुंचा दे, उस तालाब तक हमें पहुंचा दे, हमारी प्राणों की रक्षा करे। बगुला भगत ने कहा कि ठीक है, मैं क्यों नहीं, मैं पहुंचा ही दूंगा, रोज रोज कुछ कुछ मछलियां मेरे साथ जाएंगी, मैं उन्हें तालाब तक छोड़ाऊंगा कुछ कुछ जीव को। ऐसे ही सब लोग एग्री हो गए। केकड़ा तो मन में उसके कोई विश्वास ना था, मन में विश्वास तो डगमगा रहा था, अधिक विश्वास तो ना था, लेकिन वो भी बात बस सुन रहा था। वो इसलिए सुन रहा था क्योंकि उसके साथ कोई यूनिटी में खड़ा नहीं था अपोज करने के लिए बगुले के इस बात को। सब लोग बगुले के भक्त बने फिर रहे थे कि बगुला कैसे उनके प्राणों की रक्षा कर दे। तो ये तय हुआ कि बगुला रोज रोज कुछ कुछ प्राणियों को अपने चोंच से उठाकर उस तालाब में जाकर रखाएगा, और इस तरह प्राणियों के लाइफ सेव हो जाएंगे। ऐसे ही बगुला रोज रोज कुछ मछलियों को अपने चोंच में उठाकर ले जाता। सभी सोचते कि वो तो तालाब की ओर जा रहा है, लेकिन तालाब की ओर नहीं, बगुला सीधा चले जाता जंगल के अंदर, और जंगल में पड़े पत्थरों पर मछलियों को पटक डालता, और उसके कारण मछलियां जब मर जाती तो बगुला उन्हें खा लेता। ऐसे ही बगुले के तो बड़े अच्छे दिन चल रहे थे भाई। लेकिन एक बार केकड़े ने बगुले से आकर कहा कि बगुला भगत बहुत दिन हो गए, अब बहुत सारे प्राणियों की आपने रक्षा कर ली, अब मेरी भी रक्षा करें, मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है, मुझे भी उस तालाब में पहुंचा दे जहां अन्य प्राणियों को आपने पहुंचाए हैं सुरक्षा के लिए। बगुला ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और मन ही मन बगुला तो सोच रहा था आज कोई नए मांस का सेवन मैं करूंगा, कुछ नया भोजन मुझे मिलेगा अलग हटके। तो बगुला उसे पीठ पर उठाकर ले जाने लगा अपने साथ, उस केकड़े को।
रास्ते में बगुले ने कहा, तुम सब प्राणी कितने कितने सीधे हो, तुम सब सबों ने मेरी बात कितनी जल्दी मान ली, तुमने भी मेरी बात मान ली, जबकि मैं सबको ले जाके खाता हूँ और आज तुम मेरा भोज बनोगे। अब तो केकड़ा जान गया बगुले के दिल की बात, वो तो समझ ही रहा था लेकिन अब तो पक्का उसे विश्वास हो गया। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन पीठ पर से धीरे धीरे सरकता हुआ केकड़ा बगुले के कंधे पे गर्दन पे आया और उसने उसके गर्दन पे जोर से अपने दांत अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे कि बगुला धम से आकर जमीन पे गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन केकड़े को कुछ नहीं हुआ, बाल भी बका ना हुआ, क्योंकि बगुला के साथ वो चिपका हुआ था। यहाँ पे जाकर केकड़े ने जाकर ये न्यूज़ सभी प्राणियों को सुनाई और सबको पछतावा होने लगा कि उन्होंने अपने दुश्मन पे विश्वास ही क्यों किया। यहाँ पे कहानी एंड होती है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम बुरा करते हैं तो हमारा अंजाम बहुत ही बुरा होता है। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले उस गड्ढे में स्वयं ही गिर जाते हैं। और एक और सीख मिलती है कि हमें जल्दी ही किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए बिना अपना दिमाग लगाए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हाउ डिड यू लाइक इट? प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रियदर्शनी टॉक्स। फॉर दैट प्लीज क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब आइकन एंड डू प्रेस द बेल आइकन। प्लीज कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर बिटवीन योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्लोइंग, कीप शाइनिंग एंड लव यू ऑल। गॉड ब्लेस, बाय बाय।